साथियों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। आज मंत्री जाहिदा ने अपने सुभातों से कंचनेर जाकर गर्ल कॉलेज का उद्घाटन किया और साथ ही साथ जो कॉलेज में कमियां रह गई थी उनको भी पूरा कराने का वादा किया। उस उद्घाटन में तमाम गांव के सरपंच, तकरीबन हजारों लोगों की भीड़ भी मौजूद रही। कंचनेर के लोगों ने मंत्री जाहिदा का जोरदार स्वागत भी किया फूलमाला पहनाकर। मंत्री जाहिदा के साहबजादे साजिद प्रधान और प्रधान जलीस भी वहां मौजूद रहे। वहीं जाहिदा मंत्री ने कहा कि मैं आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके बीच में ही रहूंगी, आपको छोड़कर कहां जाऊंगी। वहीं जलीस प्रधान ने लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। वहीं जाहिदा मंत्री ने कहा कि अगर मेरा विकास आपको देखना है तो मेरी जो किताब है आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें कामा विधानसभा का पूरा विकास नज़र आएगा। वहीं सरपंचों ने विपक्ष के ऊपर दावा बोला है कि अब जाहिदा अपने विकास को गिनने में लग गई है। आखिर जो लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे थे, जो लोग जाहिदा मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे, आखिर अब वो कहाँ छुपेंगे, क्योंकि अब जो जाहिदा मंत्री ने विकास कराया है वो जनता के सामने आ चुका है। लगातार जाहिदा मंत्री कामा विधानसभा में विकास कराती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कंचनेर की एक गर्ल कॉलेज है जिसका जाहिदा मंत्री ने अपने हाथों से उद्घाटन किया। उसके बाद मंत्री जाहिदा का जोरदार स्वागत भी यहां देखने को मिला और लगातार यहां पर जो कामा विधानसभा की बिरादरी है और जो कामा विधानसभा के गाँव के मौजूदा सरपंच हैं वो लगातार मंच पर बैठे हुए नज़र आए थे। जहां लोग कह रहे थे कि जाहिदा के पास कुछ नहीं, लेकिन आज जाहिदा के पास सब कुछ नजर आया। तो फिलहाल सुनते हैं आखिर जाहिदा क्या कहती है। कुछ भी कहते हो अपने से ही नाराज हो जाता है। इनको नाराजगी ये थी कि ज्यादा रहे हैं, मुझे थी ये था कि मैं ज्यादा काम करा लूं, रहना इन्हीं के बीच में है, इनके अलावा जाना कहाँ है। बिल्कुल मोदी साहब का जो सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में वो जो विकास करना चाहते थे आज उसका उद्घाटन हुआ है। ये तो एक शुरुआत है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी ऐसा ही एक स्कूल नंदेरा में बन रहा है जो रेजिडेंशियल स्कूल है बच्चियों का। अब आप ये सोचोगे खाली बच्चियों के लिए क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लड़का और लड़की में हमने ना तो कभी भेदभाव करा, ना चौधरी साहब ने कभी करा। हमने लड़कों के लिए भी दो रेजिडेंशियल स्कूल सैंक्शन कराए हैं, एक भीमली रोड में बनेगा और एक सबलाना में बनेगा। ऐसा नहीं है हम दोनों बच्चों को बराबर देके चल रहे हैं। और जिस दिन ये इदारे खड़े हो जाएंगे हमारे मेवात का नक्शा बदल जाएगा, बच्चों की तकदीर बदल जाएगी। मैंने तीन कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल सेंशन कराए हैं, दो पहाड़ी में, एक समसलका में, एक कठौल में, और एक मैंने बिलक में करवाया है। ये तीन करवाए हैं। एक गर्ल्स कॉलेज करवाया है मैंने कामा में, एक एग्रीकल्चर कॉलेज करवाया है, और दो कॉलेज हमने एक कामा पहाड़ी में, एक का तो हम शायद कल ही उद्घाटन करेंगे कामा वाले का, और पहाड़ी वाला अभी अनाउंस है। तो इतना काम मैं आपको ये उसमें बता रही हूँ, आप ये मानिए मेरे ख्याल से 7-8 बिल्डिंग हो गई इतनी बड़ी बड़ी। अपने आप ही एजुकेशन के लिए ना हमें अलवर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं भरतपुर जाने की जरूरत पड़ेगी। हमने माइनॉरिटी के रेजिडेंशियल हॉस्टल भी बनवाए हैं लड़के और लड़कियों के कामा में भी और पहाड़ी में भी, जिसका पहाड़ी वाले का शायद आज हम या कल हम उद्घाटन करें। तो पढ़ाई के ऊपर जहाँ तक बात है, मेरा पूरी तरीके से ये रहा कि हम चाहे कच्ची सड़कों पे चल लेंगे लेकिन पढ़ाई को पहले हम मजबूत करें। इसलिए थोड़ा उड़ाना आप लोगों का मेरे तरफ है कि हमारी सड़क ना बनवाई, सीसी रोड ना बनवाए। वाकई हमारे तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँ और मैं आपको रीज़न भी बता दूँ। असली रीज़न यूँ हो कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो हमारी नस्ल सुधर जाएगी। मैंने ज़्यादा जोर पढ़ाई पे दिया, मैंने 50 के करीब अंग्रेजी मीडियम कराया, जो आदरणीय अशोक गहलोत साहब की भी सोच ही कि गरीब को बच्चा इन
जाके ना पढ़ सकते, को गरीब का खाना हलाला पड़ा रहा, वो कहाँ से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए हैं। कि आने वाली नस्लें में आप लोग पता तो चले वो टाइम में कि ये जो विकास है अभी ना ही तो एक ही इदारों बनो है, चाहे आप देख रहा हो, आप सोच के देखो जगह जगह जब आप ऐसा मिलंगा तो आप लोगों ने भी कितना फख्र महसूस हुए। मैं आप हमें यकीन दिलाना चाहूँ कि आने वाला टाइम में कामा एजुकेशन का हक का नाम से जाना जाएगा, दुनिया ही पढ़न को आएगी बाहर से ना कि हमारा बच्चा भाई कुछ नहीं मेरा कच्चा में चल रहे हो अगली टाउन में यह करवा देंगे। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाई ही बातें मैं तो सोची सीएम साहब ने कहा सोचो, लेकिन जब हमने बैठ के काम करना शुरू करो तब वाकई लगी कि मैं सीएम साहब से हर टाइम जब भी कोई बात करेंगी एजुकेशन की ही वासू डिमांड करेंगी। पिछली बार भी जब मैं पहली बार MLA बनी दो कॉलेज किया सीएम साहब ने, जो रिकॉर्ड की बात है, और बहुत दुख हुआ जैसे ही बीजेपी आई वाले सबसे पहला काम हमारा कॉलेज बंद करना। आप कम से कम बीजेपी और कुछ करती तो समझ में आ गए हैं, लेकिन जैसे कि सांस लेना को हक हर इंसान को है, वही तरीका से पढ़ाई करना को भी हक हर इंसान को। मेवा क्षेत्र से उन्होंने पढ़ाई छीन ली जाए जो कि एक बहुत